दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC दिल्ली से मेरठ के बीच देश का पहला रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बना रहा है। इसके तहत दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 82.15 किलोमीटर लंबा है, जिसका 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी 5.6 किलोमीटर की टनल बनाएगी। NCRTC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का 17 किलोमीटर का हिस्सा 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2025 तक शुरू हो जाएगा। इस कॉरिडोर के खुलने के बाद दिल्ली से मेरठ बस 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। NCRTC की माने तो इससे रोजाना 8 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। दिल्ली मेरठ के अलावा दिल्ली से अलवर तक 198 किलोमीटर और दिल्ली से पानीपत के बीच 103 किलोमीटर लंबे ऐसे ही कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर में जो ट्रेन चलेंगी उनकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, यानी एक घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। ये मेट्रो की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद अब मेरठ को जल्द ही रैपिड रेल का तोहफा मिलने जा रहा है। रैपिड रेल के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। मेरठ में कई जगहों पर अंडरग्राउंड से लेकर पिलर्स का काम तेजी से चल रहा है। बेगम पुल पर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं तहसील के पास अंडरग्राउंड कार्य भी जारी है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ रोड पर कई जगहों पर पिलर्स का काम हो रहा है। रैपिड रेल दिल्ली से मोदी नगर तक वैसे तो 2025 तक संचालित की जाएगी, लेकिन दुहाई से साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर वाले खंड पर 2023 में ही रैपिड रेल चलने लगेगी। अगर 2023 में ही रैपिड रेल चलने लगती है तो भी मेरठ के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो जाएगी, क्योंकि मेरठ से दुहाई बहुत दूर भी नहीं है और साहिबाबाद की दिल्ली से दूरी काफी कम है। इसलिए यदि किसी को रैपिड रेल से दिल्ली पहुंचना होगा तो वो आसानी से कार दुहाई स्टेशन पर खड़ी करके दिल्ली जा सकेगा, या फिर बस या किसी अन्य वाहन को छोड़कर भी उस पर जा सकेगा। इन दिनों दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक संचालित होने वाली रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इसका फायदा ये भी है कि दिल्ली रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा, जैम कम लगेगा और प्रदूषण भी कम होगा। 55 मिनट में मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक आसानी से पहुंचा देने वाली इस रेल में खूबियां ही खूबियां हैं। ये मेट्रो से अधिक उन्नत और तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन होगी, जो अधिकतम 180 किलोमीटर की गति से चलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी भी मौसम में प्रभावित नहीं होगी, चाहे घना कोहरा हो या खूब तेज बारिश हो रही हो, इसकी रफ्तार में कोई भी कमी नहीं आएगी। करीब 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सबसे घनी आबादी वाले वर्गों से गुजरते हुए दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। ये कॉरिडोर क्षेत्र के विकास के लिए फायदेमंद होगा। इस कॉरिडोर के आसपास जो विभिन्न टाउनशिप्स और आर्थिक गतिविधि के केंद्र हैं, उनको भी एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। दिल्ली से मेरठ तक निर्माणाधीन रैपिड रेल परियोजना का RRTS का सबसे ऊंचा स्टेशन का निर्माण भी अब आकार ले रहा है। इसकी संरचना की वास्तविक रूपरेखा तैयार हो गई है। इसे विभिन्न यात्री सुख सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। NCRTC के प्रवक्ता के अनुसार ये स्टेशन मार्च 2023 में शुरू होने वाले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई डिपो सहित 17 किलोमीटर का हिस्सा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का अलाइनमेंट दिल्ली के सराय काले खां से प्रारंभ होता है और गाजियाबाद स्टेशन से ठीक पहले दिल्ली मेट्रो वायाडक्ट के साथ साथ मौजूदा सड़क के फ्लाई ओवर को भी पार कर रहा है। इसी कारण इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म जमीन से लगभग 24 मीटर ऊंचा है और गाजियाबाद RRTS का अब तक का सबसे ऊंचा स्टेशन होगा।
आरआरटीएस स्टेशन का निर्माण गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर किया जा रहा है और इसे मौजूदा दिल्ली मेट्रो स्टेशन, शहीद स्थल, न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन और गाजियाबाद के बस स्टैंड के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इसमें 3 विशिष्ट प्रवेश और निकास द्वार होंगे, जिनमें से 2 दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले मार्ग पर हैं, जबकि तीसरा दूसरी तरफ खुलेगा, जिससे यात्रियों को आने जाने की सुविधा दोनों तरफ से मिल सके। यात्रियों की आरामदायक आवाजाही के लिए आरआरटीएस स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज से जोड़ा जाएगा, जो एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा से युक्त होंगे, ताकि ये बुजुर्गों और विशेष रूप से विकलांगों के लिए सुविधाजनक हो। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर 2 एस्केलेटर्स, 3 सीढ़ियां और यात्रियों की सुविधा के लिए 1 लिफ्ट होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। आरआरटीएस स्टेशन के लिफ्ट में स्ट्रेचर्स लाने ले जाने की जगह और क्षमता होगी, जो आपातकालीन चिकित्सीय स्थिति के दौरान बेहद फायदेमंद होगी। सुरक्षा के लिए 24 घंटे CCTV से निगरानी की जाएगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।